अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं दे आपको नाज़रीन ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज आपको नाज़रीन न्यू अपडेट हम देने वाले हैं कि नूरपुर थल जो है ना, उसका मेला किस वजह से जो है ना डिसमिस हुआ, इसकी असल वजह क्या बनी। इस वीडियो में आपको सारी इसकी डिटेल आपको मिलेगी। तो नाज़रीन आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और एंजॉयमेंट करना है। जो न्यू आने वाले हैं ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, ताकि हम जो है ना मोटिवेट हों और आपके इसी तरह की जो है ना न्यू अपडेट देते रहें। तो आओ जी चलते हैं और उसके बाद आपको कुछ साथ साथ माहौल भी दिखाते हैं कि ये देखेंगे नाज़रीन आपको साथ साथ माहौल आपको देख सकते हैं कि माहौल जो है ना यहाँ पे खूबसूरत। मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रहा है हरियाली और एक बेहतरीन जो है यहाँ पे निज़ाम बना हुआ है। तो मेले के हवाले से नाज़रीन बात करें कि मेला इस वजह से डिसमिस हुआ कि मुहर्रम और हराम जो है ना वो आ गया था, इस वजह से जो है ना मेले को डिसमिस कर दिया गया। आपको पता है कि मेला जो है ना इस्लामी त्यौहार जब आते हैं हमारे, इसी तरह के इस्लामी दिन आते हैं, मुहर्रम होता है, रमज़ान शरीफ होता है, तो इसमें मेले या इस तरह के ढोल ढमक के वो ख़त्म आ जाते हैं। ये जो हमारे पास न्यू अपडेट हुई है कि मेला भी कब शुरू हो रहा है, किस वक़्त हो रहा है, तो 40वां जो है ना ये गुजरने के बाद इंशाअल्लाह ताला मेला शुरू होने के चांस हैं। ये प्रॉपर मैं आपको क्लियर नहीं कह सकता कि शुरू होगा या मेला, इस डेट को कोई डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको जो है ना नाज़रीन हम जो है ना आपको अपडेट जो है ना नई अपडेट जब भी आती है तो इंशाल्लाह ताला आपको आगाह करेंगे। ये भी हमने उधर एक मेला मालिकान से ये पूछा है कि मेला जो है ना कब से शुरू हो रहा है, तो हमें जो डिटेल मिली है मेले के हवाले से, तो यही डिटेल मिली है कि मेला जो है ना वो इसी मुहर्रम और हराम की वजह से डिसमिस हुआ। फिर एक सानिया नूरपुर वाक़या पेश आया, उसकी वजह से मसला बना, मसले के बाद फिर जो है ना मुहर्रम में मेला जो है ना उसको कैंसिल कर दिया गया। लिहाजा जो है ना मेला इस वक्त जो है ना अपने टाइम जो है ना उस पर नहीं लग सका, क्योंकि आपको पता है कि नाज़रीन कि मेला जो नूरपुर है ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल मेला है। जिस तरह एक शाह जीवना करोड़िया बादशाह का मेला है, इसी तरह जी ये मेला भी नूरपुर का भी इंटरनेशनल मेला है और पाकिस्तान के पाकिस्तानी लेवल पर यहाँ पे डांसर आते हैं, इस तरह के गवैये भी आते हैं और बड़ा मशहूर नामी गिरामी नामिनेट मेला है। तो नाज़रीन वो अपनी डेट जो उसकी असल डेट है वो आपको बताते चले कि असल डेट जो है वो उसकी सावन पहली दो कोल तीन, इसके जो है ना ये उसकी डेट है यहाँ पे वो उसको लगता है मेला। तो वो डेट तो गुजर चुकी है तकरीबन जो है ना काफ़ी एक महीना होने वाला है। तो अभी जो है ना नाज़रीन वही आपको जो हम पहले बता चुके हैं कि 40वें के बाद इंशाअल्लाह ताला मेला जो है ना वो शुरू होगा। जब भी शुरू होगा हम प्रॉपर तरीके से आपको नाज़रीन मेले की जो है ना अपडेट भी देंगे। एक दो दिन जो है ना पहले हम इंशाअल्लाह ताला आपको मेले का सारा जो है ना बारे में एक वीडियो बनाएंगे और जब भी शुरू होता है तो आपको हम अपडेट देंगे और उसके बाद आपको मेले की जो है जितनी भी कवरेज है मुकम्मल कवरेज करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी न्यू अपडेट कोई इसी तरह की आती है तो इंशाअल्लाह ताला हम देते रहेंगे। उसके बाद हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगी पुरानी मकामात, इसी तरह सैर व तफरी के लिए। दूसरा हम अपने ऑडियंस से ये बात भी करना चाहते हैं कि अगर आप लोग किस किस्म की आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए कि हमें इस किस्म की जो वीडियो हम देखना चाहते हैं, लिहाजा आप जो है ना इस किस्म की वीडियो बनाया करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला जो है ना उसी किस्म की वीडियो बनाएंगे और आपको प्रॉपर एक खूबसूरत वीडियो दिखाएँगे। मेरे पीछे तो आपको पता है नाज़रीन ग्रीनरी कितनी, खाम इलाके तो आपको बड़े ही खूबसूरत दिखाते हैं लेकिन आपको एंजॉयमेंट पता नहीं क्यों नहीं लगता, इसकी हमें समझ नहीं आ रही। तो लिहाजा नाज़रीन आओ चलते हैं, थोड़ा सा आपको बाइक व्यू करवाते हैं, दिखाते हैं कुछ माहौल, उसके बाद सूरज भी आपको दिखाते हैं कि इस टाइम सूरज किस टाइम पे पहुंचा हुआ है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी नाज़रीन, तो इस वक्त आप देखें कि ये देख सकते हैं कि आप जो है ना
यहाँ से बारिश, इस वक्त बारिश जो है हमारे पास अभी बारिश हुई है। अगर आप तारीख के हवाले के बात की जाए तो आज 3 तारीख है लगभग, तो बारिश अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया बारिश हुई है। तो ये फसल पहले धान की हमारे पास लगी हुई है इस इलाके में। आपको मैं दिखाता हूँ नाज़रीन के धान की जो फसल है वो ज़्यादातर इस हमारे एरिए में ज़िला जंग के अंदर लगाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ग्रीनरी और धान की फसलें जो है ना आपको कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। अगर आपको ये इलाका जो मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये इलाका खूबसूरत लगे तो ज़रूर हमें इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। तो ये इस तरफ आप देखें तो इस तरफ जो है ना ये मुंजी जो है, इस तरफ धान की फसल, तो ये अभी कुछ बड़ी हो चुकी है। तो अभी सूरज के हवाले से बात की जाए तो ये देखें सूरज जो है ना बिल्कुल ही जाने वाला है। ये नाज़रीन तो इस वक्त आपको हमने नूरपुर थल मेला की अपडेट दी, उसके बाद साथ साथ जो है ना आपको ये हमने अपना जो है ना इलाका विज़िट करवाया, एंजॉयमेंट करवाया, साथ साथ देहाती माहौल भी दिखाया, ग्रीनरी भी दिखाई और ख़ूबसूरत भी दिखाई, साथ आपको तारीख के हवाले से, साथ आपको बारिश के बारे में बताया। तो नाज़रीन उम्मीद है आपको ये हमारी काविश कैसी लगी, पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। तो जैसे ही हमें अपडेटें मिलती हैं हम देते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने गुबान रब रखा रब दे हवाले।